हाँ जी स्टार्ट करें। यो ओके जी स्टार्ट है जी। लेकिन थोड़े से भाई से डोले शोले नजर आए, शादी हुई है बीच में टोकना नहीं। अब मुझे बोलने दो। हाँ ऐसे लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं बिहाइंड, ये अभी स्टार्ट नहीं है ना। अब तो तुम बहुत चालाक हो, तुम पता है यू आर वेरी चालाक। नहीं नहीं मैं इतना बोलने वाली नहीं हूँ, मुझे जहाँ बोलना है वही बोलूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हमारी शादी कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, दिस इज द मेन क्वेश्चंस जो हमेशा हमारी हर एक वीडियो पे, हमारी हर एक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक, एवरीवेयर, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट हर बंदा जानना चाहता है कि हमारी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई। हाँ कैसे हुई, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैसे हुई, कैसे हुई, कैसे हुई। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी शादी इनके साथ कैसे हुई, कैसे हुई, कैसे हुई। तो स्टोरी भैया बहुत लंबी होने वाली है, सही है। ये हमारी शादी को होने वाले हैं ऑलमोस्ट 5 years, इन सितंबर में 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप इंशाल्लाह बोल दिया कैसे बर्दाश्त किया मैंने 5 साल, आपको तो पता ही होगा जितने भी हस्बैंड्स देख रहे होंगे इंशाल्लाह। ओके तो पॉपकॉर्न ले या कोई शवरमा वरमा मंगा ले, बिकॉज हम शेयर करने वाले हैं लाइव के बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आपके साथ जो कि हम इस 5 सालों में शेयर नहीं किए। तो मुस्तफा मोस्टली लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो असल में आज हम खुलासा उस बात का करने वाले हैं कि ये हमारी मैरिज लव है या अरेंज है। लव ऐसा नहीं होता ये सॉरी अच्छा तो भैया कहानी स्टार्ट होती है 2018 से। शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है। तो and he is from Peshawar, as you all know from his accent. Yes, Gulabi accent. I am a Pathan and she is Punjabi. दाल खोर। तो हाँ। दाल तो आप खाते हो, सब्जी तो आप खाते हो, और मुझे दाल खोर कहते हो। खुद आप सब्जी खाते हो, खुद आप दालें खाते हो। हम गोश्त खोर हैं, सबको पता है। नहीं, पर मेरा बंदा दाल गोश्त खोर नहीं है, ये सब्जी खोर है। क्योंकि गोश्त का खाके मैं थक गया हूँ। So, come to the point. अच्छा, तो 2018 में, which कौन सा महीना था? 2018, it was April. Okay, April में शादी थी इस्लामाबाद में। हाँ, असल में ये होते शुरू से बाहर ही थे। आपको कितना टाइम हो चुका है बाहर दुबई में? It's been like 15-16 years. Yes, probably हाँ। 15-16 years इनको हो चुके हैं, ये यहीं पर ही हैं। तो ये आए हुए थे हर साल, वही जैसे छुट्टी पे आते हैं, ये छुट्टी पे आए हुए थे और वेकेशन के लिए 30-40 days की, आई गेस। तो और एक्सप्लेन बता दो कौन से साल में कितने दिनों की जाए। हाँ, तो वहाँ पर ये इस्लामाबाद में शादी में आए हुए थे अपने किसी जानने वाले के, और जो इनके जानने वाले थे वो हमारे भी फैमिली फ्रेंड्स थे। उनकी बेटी की असल में शादी थी, जो हमारी फ्रेंड थी वो। यस, तो बेसिकली वो मेरा दोस्त था और वो इनके फैमिली टर्म्स में कुछ जानने वाले थे, पता नहीं कौन थे। तो ये दीज पीपल वॉज दीज पीपल, तो ये लोग इन्वाइटेड थे उनके शादी में, एंड आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड बाई वन ऑफ माई फ्रेंड। तो भैया जी कहानी ऐसी थी कि मैं खड़ा था कहाँ पे खड़े थे मैं बताऊँ? हाँ बता। कार पोर्च पे। ओह माय गॉड, कार पोर्च पे खड़े हुए थे क्योंकि वहीं पर काम चल रहा था ना। ऐसे ही जाते हुए हर गुजरती लड़कियों को देखते हुए जा रहे, देखते रहते ये ऐसे जाते हुए नजर, देखो ओह हु इज दिस हैंडसम, क्या वहां पे देखते होते हैं पता था ये मेरा बंदा बनेगा। नहीं मैं देख रही हूं कि, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पठानों की फैमिली का सिस्टम कैसा होता है, कि मतलब उनका गर्ल्स का बिल्कुल सेपरेट रहता है और बॉयज का भी सेपरेट रहता है। खैर वैसे हमारे पंजाबी में भी ऐसा होता है, लेकिन पठान लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस चीज को। तो इन लोगों के लेडीज सेक्शन अंदर से गुजर के जाना था मेन कारपोर्च साइड से ही, जो कारपोर्च मतलब कार पार्किंग वाला एरिया होता है घर में। तो ये जनाब वहां पर खड़े हुए थे, क्या कर रहे थे आप खुद बता दें। मैं चावल देख रहा था देगों के साथ खड़े हुए थे मैं हम दोस्तों के साथ देगों पे खड़े हुए थे क्योंकि लोगों को पता है मुझे चावलों का ज्यादा एक्सपीरियंस तो हम चावल चेक कर रहे थे और इतने में ही गेट के अंदर दो ख्वातीन जो मोस्टली लड़कों का काम होता है शादी में निजाम शिजाम देखना, वो ये सब कर रहे थे। बच्चे चेक कर। हाँ, और वहाँ पे असल में ये लोग ये चेक कर रहे थे, हर जाति आती लड़की को देख रहे थे, मैं और मेरी बहन। नहीं नहीं तो फिर मुझे कैसे देख लिया वहीं पर ही, बस लिखा हुआ था ना। हाँ, ये तो है डेस्टिनी। तो भैया दो लड़कियां आई एक जैसी बिल्कुल, रीमिजाल सो लुक लाइक यू सेम है ना, सिस्टर।
तो ऐसे आई वो पढ़ू नहीं उसको कहते हैं पर्दा किया करके ना वो जो आंखें ऐसे दिख रहे होते हैं हाँ, तो ऐसे आई मुझे सिर्फ इनकी आंखें दिखी ये कौन है ऐसे देख के ना चली गई है इसने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है गेस्ट होंगे तो भैया इनको तो देखा मैंने। फिर ये है कि ना हम औरतों में जा सकते हैं ना औरतें मर्दों में मर्च हो सकते हैं। सो आई सो हर एंड आई आस्क फ्रॉम माई फ्रेंड कि ये कौन है ये लोग। सो ही सेड कि ये मतलब मेरी सिस्टर की जो है ना दोस्त हैं तो उन लोगों ने इनवाइट किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा ओके तो ऐसा करके हाँ वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई और ये चले गए वापस। और फिर मैं वापस आया अपनी जगह मजदूरी करने हाँ मजदूरी गुलामी करने। तो भैया ऐसा है कि मैं भी जवान था ठीक है उस टाइम पे जवान था उस टाइम पे मेरी क्या है 26 राइट हाँ 26 साल का लड़का था गर्म खून होता है। तो मैंने इनको तो देखा था मैंने कहा यार ये अपने दोस्त से पूछता हूँ कि वो जो लड़की उस दिन हमने मतलब मैंने जो देखी थी असल में ये था कि ये वापस आ चुके हुए थे और अब ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई दिसंबर 2018 की बात है। तो इनका नेक्स्ट ईयर क्योंकि हर साल ये छुट्टी के लिए आते थे तो नेक्स्ट ईयर इनका प्लान था कि इन्होंने पाकिस्तान जाना है और इनका तब इरादा था कि इन्होंने अब शादी करनी ही करनी है। तो अब आगे आप कंटिन्यू करके बताओ। बीवी का यही काम होता है वो सीधा कर देती है फिर बोलते अब आप बताओ तो यहाँ से अब मेरा करेक्टर स्टार्ट नहीं अब आप बता रहे थे मैंने बीच में वो काटा बताया पूरी डिटेल से ना काटा ना मतलब काट के बताया कि डिटेल से। तो भैया ये है कि आपको पता है सबको पता है कि पठान और पंजाबी में शादी इट्स अ वेरी बिग टास्क। मतलब अगर आप किसी को अच्छा आपने पठान से शादी की है या अगर आपने पंजाबी से शादी की है मतलब वो जो कॉम्बिनेशन ऐसा है वो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आग और पानी। तो भैया कहानी ये थी कि मैंने कहा यार शादी की उम्र हो चुकी है अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ कि यार उनका पूछे क्या उनकी शादी हो गई है या सिंगल है या कहीं बात पक्की हो गई है। सो आई स्टार्ट डिगिंग तो यार क्या क्या डिगिंग किया था ये नटी बॉय। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार आप उनके पूछे तो ऑब्वियसली ये जो है उनकी सिस्टर्स के फ्रेंड थे तो उन्होंने उनको बताया कि नहीं शी इज नॉट मैरिड येट बट They are looking for yes, okay. हाँ. तो भैया जी हमको तो पता चल गया कि कहानी साफ है कोई जो है ना रकीब नहीं है इसमें सीधे सीधी बात है। और आपने मेरे ख्याल से बताया था कि आपने सारा कुछ डिगिंग किया था आपने पूछा था सारा कुछ फैमिली बैकग्राउंड सारा कुछ सब देखा था मैंने कहा ऐसा ना कोई नसवार वसार था ना भेजो नहीं बट बहुत छोटी फैमिली है इनकी मतलब दो सिस्टर्स और एक भाई और फादर जो है वो इनकी अपनी स्कूल है और ये दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं भाई वगैरह भी सब। तो ये है कि छोटी फैमिली थी तो यहाँ से तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई सीन क्लियर है एंड लेट्स डू इट। अच्छा मुझे यहाँ पे एक सवाल आपको लोगों को ये भी होगा ना कि देखिए बीवी है पैसे बीच में काट दिया। देखो आपको जैसे आपकी फैमिली का आपका भी बताओगे डिस्कस करोगे लेकिन आपके साइड से माइंड क्लियर था कि आप कास्ट से बाहर निकल के कर सकते हो मुझे पता है बट मैं ऑडियंस के लिए कह रही हूँ भैया जितने भी पठान यहाँ पे देख रहे हैं ना तो या जिनकी पठानों के साथ शादी हुई है या जो जिन पठानों ने पंजाबियों के साथ शादी हुई है दे नो वेरी वेल की कितना मुश्किल है हमारी। मैं पहले वो आदमी हूँ 200 सालों में अपने फैमिली में जिसने अपनी फैमिली से बाहर शादी की है। पिछले 200 सालों से परंपरा से आ रहा है कि फैमिली में शादी हो रही है मामू की चाचू की खाया की तारा माया पप्पो सारों ने इधर उधर घुसाए हुए थे ऐसे ऐसे करके। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन के बाहर करूंगा भैया बवाल होने वाला था। अब असली बात तो आएगी अब यहाँ से कि मैं घर में कैसे बोलूंगा कि भैया जी हमको पंजाबी लड़की से ब्याह करना है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज बताने वाले हैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके बड़े काम की है। ओके सो रिसेंटली वी केम अक्रॉस डेजर्ट कार्ड वेबसाइट वेयर दे आर प्रोवाइडिंग प्रो मेंबरशिप सच एज फ्री इंटरनेशनल शिपिंग एक्सटेंडेड 30-day रिटर्न्स ऑल ड्यूटी एंड टैक्सेस इंक्लूडेड एक्सक्लूसिव प्रो ओनली डील्स additional discounts on offers dedicated support and the ability to shop at any US UK India or UAE retailer with self ship
And not only this, their pro membership includes access to ProMania deals featuring products at up to 90% off and new items curated daily from global websites. And you can get their product through a website or installing an application. And yes, they are providing quality products including electronics, fashion, beauty, baby items, and beyond, catering to customers who may face limitations in accessing certain goods within their local vicinity. तो आप लोग भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड में जाके शॉपिंग कर सकते हैं. आपको वो 30 डेज का एक्सटेंड ऑफर भी दे, मतलब 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी भी दे रहे हैं कि आप 30 डेज के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर भी चल रही है. और अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आपको और भी ज्यादा उसमें डिस्काउंट मिलेगा. प्रो मेंबर्स की और ज्यादा फैसिलिटी ऐड करते हैं उन लोगों को. और ये सिर्फ किस में अवेलेबल है? डेजर्ट कार्ट में. सो गो एंड शॉप एट डेजर्ट कार्ट नाउ. इसके पैसे मिले थे बोलने को तो हमको बोलना जरूरी था, लेकिन करो जरूर. तो भैया, जब मैंने अपने घर में बोला कि मेरे को शादी करनी है, बोला ठीक है ओके, शादी का टाइम है, कर लेते हैं. माँ बाप ने भी बोला, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे एक लड़की पसंद है और मुझे उनसे शादी करनी है. अम्मी ने बोला ठीक है, कौन पसंद है उनको, पता होगा कोई खानदान में पप्पू या खाला या ताए की बेटी बोल देगी कि हाँ भाई इनको करा दे, जो मेरे सामने बलि पड़ी हुई है नाक साफ करते हुए. तो मैंने कहा अम्मी लड़की पंजाबी है. तो एक मिनट के लिए साइलेंस. तो मेरे अम्मी ने मुझे बोला ऐसे कि बेटा खाना खाया है क्या? मैंने कहा हाँ अम्मी खाना तो खाया. कहते अच्छा. कॉल पे ये इसलिए थे क्योंकि ये दुबई में थे. एग्जैक्टली. तो मैंने कहा अम्मी जी खाया है मैंने. तो अम्मी कह रही थी आप ये कैसे बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं है ये बात करते हुए? मैंने कहा क्या हुआ अम्मी, मैं तो बात ही कर रहा हूँ, क्या किया मैंने? कहते आपको शर्म नहीं है आपके खानदान में अब तक आपके फादर के फादर, फादर के फादर, फादर के फादर किसी ने खानदान से बाहर शादी की है? जो आप बोल रहे हो मैंने बाहर शादी करनी है. मैंने कहा बात तो सही है लेकिन मैंने फिर भी बाहर करनी है. लेकिन मेरे को पसंद आ गई थी कि यार नहीं, शादी तो करनी है तो उससे करनी है. तो भैया जी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, ड्रामा नहीं बल्कि फिल्म हुआ, फिल्म भी नहीं बल्कि फिल्म से बड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो ये फिल्म होती है. फिल्म से बढ़ के सीरीज होता है. सीरीज मतलब एपिसोड्स पे एपिसोड्स चले गए चले गए चले गए. भैया हमारा टाइम करीब आ रहा है, उधर एपिसोड्स चल रहे तो हाँ करके एंड ऑफ द डे जो है वो हो गया था. लेकिन असली तो इतना घर वालों ने जितना रोना नहीं डाला था जितना आस पास के रिश्तेदारों की वजह. यार ये जो रिश्तेदार है ना, ये अगर व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज मत किया करें इस तरह की हरकतें, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार हो. उनको पता नहीं हर जगह तंग अड़ाने की आदत होती है. हर बंदा रिश्तेदार से तंग है इसी कोई कोई भी खुश नहीं है रिश्तेदार. ऐसा क्यों है पता नहीं, वो जख्मों पे जाके ना ऐसे ऐसे करने वाले छिड़कने वाले. तो भैया जी ऐसा है कि फिर हमारे घर वाले राजी हो गए. अम्मी ने भी कहा कि चलो ठीक है लड़का है अब ये चाह रहा है तो क्या करे. लेकिन फिर भी अम्मी को खानदान में ये लोग बोलते रहते थे कि यार ये कैसे जो है ना वो पॉसिबल है एंड ऑल दैट. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट लकी, आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द पेरेंट्स जो है वो समझे उस चीज़ को कि हाँ भाई साथ इसने गुजारने जिंदगी इसने गुजारनी है. सो आई थिंक फैसला भी जो है इनको कर लेना चाहिए. सो भैया अब मैं बताती हूँ, इनकी साइड से तो ये सीन हो चुका था, अब मेरी साइड से था. तो अब इनके जो दोस्त थे जिनके यहाँ पे गए हुए थे ये, तो इन्होंने उनसे पहले बात की कि अब आप उनको ज़रा मतलब पहुँचा दें उनकी कान तक कि इस तरह से एक है हमारे जाने वाले, वो रिश्ता भेजना चाह रहे हैं, तो क्या वो आएँ या ना आएँ? क्योंकि मेरे घर में तो अभी किसी को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में कि रिश्ते के लिए यहाँ पर हसल हो रहा है. तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बात की, जिनके घर हम शादी पे गए थे उन्हीं के पेरेंट्स ने बात की मेरे पेरेंट्स के साथ किस तरह से लड़का है, और क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे शादी के लिए. तो जब उनको पता लगा कि पठान है वो, तो फिर उस टाइम थोड़ा हमें भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब ऑकवर्ड साइलेंट था वहाँ पर कि ये कैसे, क्योंकि अब्बू को पता था ये चीज़ के पठान मतलब वो पठान से बाहर करते नहीं और उनका बड़ा सिस्टम सख्त सा रहता है, तो हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है पंजाबियों का, तो ये कैसे जाके वहाँ पर भी एडजस्ट होगी और उनका कैसा होगा, बड़ा वो हो जाएगा. लेकिन खैर जब वो आया हुआ था, लेकिन ये भी है कि बिल्कुल ना भी नहीं किया था अब्बू ने, और क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे तो अब्बू ने भी आगे पीछे पहले पता कराया, और ऊपर से जब उनको पता लगा कि ये बाहर है तो मेरे भाई भी इधर ही होते थे, तो उन्होंने इनके कहा भाई को ड्यूटी थी कि आप जरा जाके देखें क्या छानबीन करे बंदा क्या करता है क्या है क्या नहीं है, लड़का पढ़ा लिखा है तो
देखा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब सोचें भी ना। तो फिर मेरे भाई की और इनकी भी मीटिंग हुई थी, वो हाँ इनके भाई और भाई की जो है ना घर वालों से मेरी मुलाकात हुई थी। आई वॉज वेरी नर्वस कि हाँ भैया क्या बोलूंगा जाके कि मैं क्यों आया हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स गोज वेल, मैं उन मिला उनसे एंड दे वेयर वाज के ठीक है ओके बंदा पढ़ा लिखा है एंड सही है कमा रहा है इट्स ओके दैट्स फेयर इनफ, पढ़ा लिखा होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए, बाकी नसीबों की बात होती है। फिर वहाँ से मेरे फादर ने भी आगे पीछे थोड़ा पता करवाया इनका क्या है क्या नहीं है, ऐसा मतलब बैकग्राउंड वगैरह वो सारा कुछ। और उसके बाद फिर जब अब्बू ने हाँ पता लगा, फिर उसके बाद उन्होंने भी फिर मेरे से भी पूछा मेरे से भी पूछा कि इस तरह से ये रिश्ता आया हुआ है आप करना चाहोगी? हाँ मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला होगा क्या बोला क्या बोला होगा तभी तो बैठेगा नहीं मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा लड़का तो ठीक है, बाकी जो हम कहती हैं मशरकी लड़कियाँ मशरकी लड़कियाँ कि आपको पसंद है तो क्यों नहीं आप जो मतलब पेरेंट्स की जो मर्जी हो। तो वो रहा हमारा फिर वैसा सिलसिला रहा क्योंकि इन्होंने आना था, ये हमने आपको स्टोरी बताई 2018 से, फिर इन्होंने 2019 में पाकिस्तान आना था, अगस्त में इनकी छुट्टी बन रही थी। तो इनका ये इरादा था कि जब मैं अगस्त में आऊँगा तो मैंने शादी इस मतलब इसमें करके करनी ही करनी है, करना लाजिम करके जाना है। तो फिर इसी तरह ये करते करते जो है वो ये बात हुई, मतलब पेरेंट्स की साइड से भी थोड़ा हुआ। अब फिर उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना इनके मतलब बुलाते हैं इनके पेरेंट्स को मिलके तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन गई क्या नहीं। फिर इनके पेरेंट्स बकायदा आए, मुलाकात हुई, रिश्ते की जैसे प्रॉपर जो किया जाता है सारा का सारा वो पूरा हुआ और सब कुछ उनकी उनको भी ठीक लगा सारा कुछ, हमें भी अच्छा लगा बहुत मिलकर, सारा कुछ ठीक रहा। तो इस तरह से जो है ना वो बात डन हो गई और डन होने के बाद उन्होंने बताया कि मतलब इनका बेटा आएगा इस तरह से अगस्त में, तो हम लोग शादी करना चाहते हैं अगस्त में ही। तो फिर वो सारा कुछ डिसाइड किया गया और सब कुछ डन किया गया और फिर ये अगस्त 2019 में पाकिस्तान आए। तो हमारा पहले लेकिन निकाह हुआ था और रुखसती हमारी सितंबर के लास्ट में हुई थी, और जब मतलब इनका जाने का वो था तब रुखसती हुई थी। तो इनको मैं इसीलिए बोलती भी होती हूँ कि हमारी दो एनिवर्सरी बनती है लेकिन ये एक ही मनाते हैं दो मनाने के चक्कर में ये कि दो दफा गिफ्ट मिला के दो दफा गिफ्ट मिले हैं। तो आपको भी तो मैं देती हूँ ना। हाँ इस बार एयरपोर्ट दिए थे, वो तो मेरे बर्थडे पे दिए थे शायद। नहीं बर्थडे पे मैंने आपको कुछ और दिया था, बर्थडे पे मैंने आपको ये दिया था और कुछ और चीज़ें दी थी और आपकी बहुत अच्छी सेलिब्रेशन की थी मैंने। ओह यस यस याद है, आपको सरप्राइज दिया था। देखिए कितने ये नेम है ना कि भूल जाते हैं। तो ऐसा रहा हमारा। तो हाँ दिस वाज द स्टोरी के जो है वो शादी बात कैसे हुई तो ये है कि आप इसको ये भी नहीं बोलोगे कि ये लव मैरिज है, इसको आप कम्प्लीटली अरेंज मैरिज भी नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे पसंद कम अरेंज, नहीं कम पसंद कम अरेंज, हाँ अरेंज कम लव मैरिज, अरेंज कम लव, हाँ कुछ ऐसा। हाँ कुछ मतलब आप बोल सकते हो यार इफ यू लाइक समवन, अगर जो देखने वाले लोग हैं यार देखो मर्द अगर निभाना चाहे ना तो हाँ। वो जैसा भी हो वो निभा लेता है। ये आजकल जितने भी निभा निभीज है ना हाँ। जो कस्में खाने वाले और ये चीजें वाले हैं कि पेरेंट्स भी माने ये नहीं हुआ चाहे वो लड़का हो या लड़की हो वो नहीं है। इस ट्रैप में मत पड़ना मेरे हाँ। बच्चों चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, बी वेरी स्ट्रेट। आपकी यही एज होती है बच्चियों का 17 से लेकर 21 साल तक की जो एज है ना वो ऐसी एज है कि आप यू गाइज मतलब आप फोकस रखें अपना और बहुत क्लियर रहें, और जो जितने भी मेरे लड़के हैं बॉयज़ है दे हैव इनफ टाइम, मतलब 18 से लेकर 24 25 26 तक आपके पास टाइम होते हैं। सो प्लीज़ डोंट प्ले अराउंड, इफ़ यू रियली लाइक समवन जस्ट गो स्ट्रेट एंड टेल योर पेरेंट्स दैट आई लाइक हर एंड दैट्स इट, मुकाओ काम मुकाओ ले आओ एंड बात ख़त्म। हाँ और दूसरा मैं क्या कहने लगी थी, मेरी बात भूल गई अब। बात तो बोलोगे क्योंकि मुझे मौका जो नहीं दे रही। तो आप ही जो सारा बात बोल रहे थे मैं बात करने वाली थी। बाकी ये कि ये हमारा आज का ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग अब आपको अगले ब्लॉग में ये बताएंगे, ये चीज़ मैं एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि ये तो आपने हमारा सुना कि शादी के पहले का जो भी सफ़र था, लेकिन शादी के बाद का जो हमारी जर्नी रही थी वो भी कोई आसान नहीं थी। 4.5 years तो वो भी हमारे लिए आसान नहीं रहा। And how we become an owner of restaurant. And हाँ हम लोग कैसे फिर हमारी जर्नी सोशल मीडिया की भी रही, पर्सनल लाइफ की भी कैसे रही, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा अगला व्लॉग। अगर चावल है आपने भी चेक करानी है तो आप मुझे बुला सकते हैं आपके बंदे ने चावल अच्छे बनाए हैं या नहीं। Bye.